आई फील लवली. आई हैव बीन द जूरी मेंबर ऑफ अ लॉट ऑफ पैजेंट्स लाइक दिस विच गिव वुमेन अपॉर्चुनिटीज टू शाइन, टू फॉर्ज करियर्स अहेड, टू गिव द मीडिया एक्सपोजर. सो इट्स नॉट कॉमन एंड आई मस्ट से दैट एवरी पैजेंट दैट आई हैव बीन फॉर द यंग लेडीज हैव बीन सो कॉन्फिडेंट एंड आई डोंट रिमेंबर कमिंग इन टू दिस इंडस्ट्री बींग एज कॉन्फिडेंट एज दे आर. समटाइम्स आई थिंक ऑफ इट मे बी इट्स नॉट फेयर, इतने सारे पैजेंट्स हैं लेडीज़ के लिए, मे बी वी शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस फॉर यंग मैन ऑल्सो एंड हैव वे मोर मेल पैजेंट्स और मेल talent shows, whatever we would like to name them. I think men are missing out on this platform. Sure. What would you like to show? There are like three types of models that are there today, and I believe, and I'm sure that they're pretty nervous knowing who there's going to be only one winner. What would you like to tell the models before the end of the round? What I would like to tell them is, I wish I could give this advice to myself 20 years ago when I was a teenager, is that everything in life is about confidence. Just be confident and life will take you where it has to. All right, another last question. So of course there's only going to be one winner in all of these pages. So what is something that you would tell the rest of the people who could not be disheartened by not being the winner? That's very difficult. There is nothing you can say to console someone who wanted to be number one, you know, in a competition. Let me tell you something. No one's happy coming two also. And that's the fact of life. It is a factor of life. No one is happy even coming two. Everyone wants number one. So there is nothing that can be said except that if they want to persevere even more, there's so many more platforms, so many more pageants which one can participate in again. So the hope is not gone. All right, thank you so much. Thank you. ये हमारा season 2 है and I am very excited. इस बार का जो entire pattern था वो बहुत ही ज़्यादा grueling था, बहुत ही tough था और मेरा ख्याल से इट वॉज एन एन्जॉयमेंट फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल्सो. तो सीज़न 2 में हमारे पास करीब 6000 के ऊपर एप्लीकेशंस थे और उसमें से हमने 75 सिलेक्ट किए थे और फर्स्ट राउंड के एलिमिनेशन के बाद 32 सिलेक्ट हुए जो अभी फाइनल के लिए आज आए. मैं कहना चाहूँगा कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे इंडिया से हमारे पास ये कंटेस्टेंट्स आते हैं और आई एम श्योर कि उनमें से मेरे ख्याल से जो बेस्ट टैलेंट है वही जीतेगा और आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली, कोने कोने से लड़कियां ढूंढ ढूंढ के जो डायमंड्स ढूंढते हैं, हम जो कहते हैं हमने ढूंढ के निकाले हैं बिकॉज वी हैव कंटेस्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ग्वालियर, पुणे, सांगली, नासिक, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, रांची, हर भिन्न भिन्न स्टेट्स से आए हुए ये लड़कियां यहाँ पे कम्पीट कर रही हैं और ये ऑल इंडिया फाइनलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है. और आज हमारी टीन कैटेगरी जो मिस टीन इंडिया कैटेगरी है उसमें टॉप 8 सिलेक्ट हुई हैं, जो मिस इंडिया कैटेगरी है उसमें टॉप 8 सिलेक्ट हुई हैं और जो मिसेज इंडिया कैटेगरी है उसमें टॉप 15 सिलेक्ट हुई हैं. एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग ग्रैंड नेशनल फिनाले. और जो टॉप 3 होंगे मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया और मिसेज इंडिया ऑफ द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट, वो रिप्रेजेंट करेंगे भारत को ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इन द USA. तो ये बहुत गर्व की बात जी. मैं कहना चाहूँगी कि टैलेंट तो बहुत है हमारी कंट्री में, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की कमी थी और बिकॉज इस प्लेटफॉर्म की कमी थी, डॉक्टर स्वरूप और मैंने ये सपना देखा था कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें जिससे बहुत सारे टैलेंटेड लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिले अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए, अपना स्किल दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए. देखिए, ब्यूटी पैजेंट्स का बहुत ही एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट बन चुका है हमारी सोसाइटी में, जो लगता है कि आपको सुंदरता की एक परिभाषा बन गई है. यू हैव टू बी साइज 0, यू हैव टू बी स्किनी, यू हैव टू बी 5'8", 5'9".
हमें तो ऐसा लगता है कि अ गर्ल अ वुमन जस्ट नीड्स टू हैव पैशन एंड देन शी कैन बिकम अ ब्यूटी क्वीन इफ शी वर्क्स ऑन हर सेल्फ. सो सेल्फ डिवेलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ इज समथिंग दैट वी प्रीच बिकॉज वी पिक अप दिस टैलेंट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वी ट्रेन देम. All they have to bring with them to this platform is inner glamour, because वो हम उनको सिखा नहीं सकते. हम उनकी जो बाहरी सुंदरता है, फिटनेस हो या मेकअप हो या हेयर हो या स्किन हो या ये सारी एक्सटर्नल सुंदरता की चीज़ें हैं जो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन जो अंदरूनी सुंदरता है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता. वो आपको खुद लाना पड़ेगा और उसी के बिना पे आपका सिलेक्शन किया जाता है, आपका चयन किया जाता है. थैंक यू. वेल, बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर द फाइनल्स. माय क्वेश्चन टू यू इज दैट सिंस देयर आर यू नो द मॉडल्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम एज इट वुड बी अ नर्वस डे फॉर देम एज वेल. सो व्हाट काइंड ऑफ यू नो मोटिवेशन वुड यू लाइक टू गिव देम? ओह, एब्सोल्युटली. आई एम सो एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ देम टू वॉक एंड स्ले द रैंप टुडे, एस्पेशली बिकॉज both Dr. Swaroop and me are not only the owners of this platform, but we at the International Glamour Project, we also train all these girls, so we also have been their mentors. Agar humne in beautiful ladkiyon ko mentor kiya hai, hum to chahte hain ki sare jeete, lekin hamari chief jury panel jo hai wo best ko hi chunegi jise hum aur train karenge, ताकि वो इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का नाम रोशन कर सके. एंड शी ब्रिंग्स लॉरल्स टू आवर कंट्री. आई रियली फील प्राउड अबाउट इट बिकॉज इनिशियली आई थॉट इट इज ए ओनली फॉर द सम एफ्लुएंट पीपल, बट लास्ट 4 to 5 years आई एम ऑब्जर्विंग माई सन एंड डॉटर इन लॉ इन्वॉल्व इन दिस एंड दे मेड इट सच थिंग्स आर अवेलेबल टू द कॉमन मैन ऑल्सो. एंड Moreover, it is a really intellectual one, because the way the confidence is seen, the way the presentation is seen, the way the language and the presentation is seen, I see and I feel that the intellectual is more in the total episode. Thank you. Ma'am, would you like to add something to it? Yes, it is a very, very nice moment for us also, and it is a prestigious for us also. And it is a very good organization, very well maintained, and we are really proud of my son and my daughter-in-law and my small baby. I really found them. And I'm best luck for them, for their future. I'm so happy. My daughter is a teen Miss Teen India contestant, and the way they have given the exposure, the way they have set the grand finale, it's really amazing and one of the best of its kind. See, with me, she is a single daughter, so whatever she wanted to do, we always supported. तो लड़कियों को हम empower करना चाहते हैं and जो भी करना है करो, हम आपके पीछे हैं. This is what I would like to say. For our girls, whatever you want to do, whatever profession, whatever passion you want to pursue, you can do it. We are always there to back you up. That is what I want to say. हाँ, मेरी बेटी परफॉर्म कर रही है, देवांशी पुरी, और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. और TIGP ने जो मेहनत करी है बच्चों के ऊपर, वो बहुत काबिल तारीफ़ है. और मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ TIGP का, जो उन्होंने हर एक चीज़ लाइक जैसे बालों से लेके अपने वॉक पे ध्यान देना, अपनी स्किन पे ध्यान देना, हर चीज़ बच्चों को ऐसे ट्रेन किया है कि वो ट्रेनिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती थी. सो ये सिर्फ और सिर्फ TIGP को क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने एक जैसे होता है हीरा होता है, हीरा को जो तराशना होता है, जो तराशने का काम है वो TIGP ने किया है. और मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ TIGP का. थैंक यू. मेरा नाम मीनाक्षी जैन है और आशीष जैन, पेरेंट्स ऑफ विश्वी जैन, मिस टीन इंडिया फाइनलिस्ट. आज ये जो प्लेटफॉर्म है ये TIGP की वजह से ही हो हुआ है, और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरी बच्ची इस प्लेटफॉर्म पर पहुंची है. उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत रंग लाई है उसके लिए. लेकिन जहाँ तक हो सकता है TIGP की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, रियली आज उनके लिए बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ. थैंक्स
थैंक्स अक्षिता मैन एंड उसकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सो मेरी बेटी की इच्छा थी 2016 में जब वो किडजनिया गई थी वहाँ पे उसने मॉडलिंग का एक रोल प्ले किया था, तब से उसकी इच्छा थी कि वो मॉडलिंग राउंड में या फिर ऐसे ग्लैमर में जाए। एंड हमारे एक कॉन्टैक्ट के थ्रू हमको पता चला कि TIGP इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर शी कैन गेट हर विशेज फुलफिल्ड। एंड लास्ट 1.5 ईयर से ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। TIGP ने उनको काफ़ी हेल्प किया, उनको ट्रेन किया, एक्सप्लेन किया कैसे करना है क्या करना है। एंड आज फिनाले में मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा जो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड एवरीवन डिज़र्व बिग थैंक्स फॉर दिस इवेंट एंड पार्टिसिपेशन। देखिए TIGP का जो मोटो है कि ब्रिंगिंग क्वीन आउट ऑफ एवरीवन, वो उन्होंने ट्रूली किया है और वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरी जो पार्टिसिपेंट है, जो मेरी वाइफ है शिप्रा सिंह, जिनको मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ, सी इज़ अ क्वीन ऑलरेडी। सो ब्रिंगिंग हर आउट टू द वर्ल्ड, ये TIGP का मोटो रहा है। एक्चुअल खूबसूरती को बाहर लाना, न कि बाहरी खूबसूरती को, उन्होंने ये करा है। ये बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी देख के पता चलता है एंड ये बहुत अच्छा काम करा है। आई सपोर्ट शिप्रा सिंह एंड शिप्रा सिंह वो खुद में ही बहुत ही खूबसूरत है, ना कि अंदर से बल्कि बाहर से, बल्कि अंदर से भी उनकी सोच। सी इज़ एम्पावर्ड वुमेन और TIGP ने उस एम्पावरमेंट को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया है, सो दैट्स गुड। ये मेरी बेटी है, कितनी खुशी हो रही है एक माँ को अपनी बेटी परफॉर्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी। शी इज़ ऑलरेडी अ विनर और मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ तक आई है और पार्टिसिपेट कर रही है और श्योरली शी विल विन। पहले तो मैं आज बताना चाहूँगा कि मैं ये प्रोग्राम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम जिग्नेश पटेल है और आज मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी बेटर हाफ नेहा पटेल को सपोर्ट करने के लिए। और जैसे हमें पता है, और पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरी TIGP टीम को कि जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये सब इवेंट, ये सब जो ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज़ किया है, उसको सबसे पहले मैं हार्टली TIGP की पूरी टीम को अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। TIGP की टीम जो है, जैसे कि पता है अपने को कि इंडिया में कई सारे ऐसे ब्यूटी पेजेंट शो है, लेकिन उनके स्पेसिफिक कई सारे क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं कि भाई सपोज़ के एज है, हाइट्स है, वेट है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ देम TIGP ने वो सब को साइड पे रख के जो इंडिया की कई सारी ऐसी लेडीज़ है कि जो आगे बढ़ना चाहती है, उनको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और वो यहाँ पर आज पहुँच पाई है, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर मृणाल शाह मोदी। आई एम द ऑफिशियल स्किन एंड हेयर केयर पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट। तो आई वॉज देयर ऑन season 1 ऑल्सो एंड नाउ अगेन आई एम ऑन season 2। सो 1 year बैक व्हेन आई मेट ऑल दीज गर्ल्स, यू नो दे वर सो रॉ, दे हैव सॉर्ट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, एंड नाउ आफ्टर 1 year व्हेन आई एम सीइंग देम, they have completely changed, completely evolved in terms of their confidence, their skin, and like the overall personalities. And I'm so proud to be their skin and hair care mentor. And for me it is a very special day because for them this is a big day for them, and I wish all of them all the very best. Whatever the result is, I'm just proud of everyone. You want to say something? I also want to just congratulate everyone for reaching the final stage. Big shout out to Dr. Akshata and Dr. Swarup for organizing this event and for giving all these wonderful ladies such a beautiful platform. And I'm extremely proud of my wife, who's also helping them achieve a lot of their dreams. We wish the event a grand success. Thank you. Thank you. Thank you so much. TIGP का अब इससे पहले जो 2 rounds हुए एंड फाइनली द 3rd round इज हियर, सो बिन वेटिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड द हॉस्पिटैलिटी TIGP एंड द इवेंट, द ग्रैंड स्टेज इवेंट, सो आई हैव नेवर सीन एन इवेंट हैविंग ऑल द 3 categories एंड गिविंग एवरीवन एन इक्वल चांस। सो आई हैव सीन डॉक्टर अक्षता प्रभु एंड शी इज़ बिन अ रियली गुड मेंटोर। एंड यहाँ फाइनल पे आज आके देख रहा है कि सबकी आगे बढ़ते हुए जितना इन्हें ट्रेन किया है, जितना आज इनका है सारा, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी टू सी। के हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, मैं सुरभि विभूति हूँ, मेरी ये ट्विन डॉटर
ने यहाँ मतलब पार्टिसिपेट किया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। और क्या कहना चाहेंगे TIGP की जो टीम है, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत ही बढ़िया है।